जब देव ऋषि नारद जी ने श्री नारायण जी को श्राप दे दिया कि जो बंदर का स्वरूप आपने मुझे दिया है यही बंदर का स्वरूप आपकी सहायता करेगा, और जिस नारी के लिए मेरा अपमान किया है इसी नारी के विरह में आप वनों में भ्रमण करेंगे, दुख उठाएंगे। उसके बाद वहां की कथा वहां, इधर अब हम आपको अयोध्या की ओर लेके चलते हैं। अवधपुरी रघुकुल मनि राव, वेद विदित तहीं दशरथ नावो, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पानी। अयोध्या में महाराज दशरथ राज्य किया करते थे। उनके पास तीन रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा थी। बड़े ही सुखपूर्वक राज किया करते थे। महाराज दशरथ के विषय में बताया जाता है कि कश्यप और अदिति ने बहुत बड़ी तपस्या की और वही कश्यप, अदिति, दशरथ और कौशल्या बन करके अयोध्या में प्रकट हुए। बहुत समय बीत गया। अचानक एक दिन महाराज दशरथ ने स्वयं को अवलोकन किया तो बड़े दुखी हुए कि अब तो मेरा चौथापन आने वाला है लेकिन अभी तक मुझे कोई संतान प्राप्त नहीं हुई है। गोस्वामी जी लिखते हैं, एक समय भूपति बनी माही भई गलानी मोरे सुतनाही, गुरु गृह गय हूं तुरत मही पाला चरण लाग कर बिनय विशाला। महाराज दशरथ पुत्र के लिए अत्यधिक व्याकुल हुए तो आखिर अपने कुल पुरोहित वशिष्ठ जी के पास गए। सब प्रकार से दंडवत प्रणाम करके जब कुल पुरोहित वशिष्ठ जी ने पूछा कि महाराज आपका मुख बड़ा ही मलिन दिखाई पड़ता है, आखिर बात क्या है, तो महाराज दशरथ जी ने वशिष्ठ जी से कुछ इस प्रकार से कहा, ऐ स्वामी किए विवाह तीन, ऐ स्वामी किए विवाह तीन, फिर भी न मनोरथ सफल हुआ, अब चौथापन आ पहुंचा है, आशा का तरुवर विफल हुआ। वह फल ही क्या, वह तरुवर ही क्या तरुवर है, जिसमें फल ही उत्पन्न न हो, वह जलचर ही क्या जलचर है, जिसमें जल ही उत्पन्न न हो। ए नाथ, मेरा चौथापन आ गया है, मेरे पास तीन तीन रानियां हैं परंतु मुझे किसी पुत्र का सुख प्राप्त नहीं हुआ है, सो हे गुरुदेव मैं बड़ा ही दुखित हूँ, दुख में डूबा जा रहा हूँ। गुरुदेव कहते हैं कि पुत्र के बिना इस संसार में सब कुछ अंधेरा होता है, क्योंकि एक पुत्र ही तो होता है जो वंशवील होता है, वंश को चलाने वाला होता है, और अंत में अंत्येष्ट क्रिया के समय पुत्र ही तो मुख अग्नि देता है। अतएव गुरुदेव कोई ऐसा उपाय करिए कि जिससे कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। महाराज दशरथ जी के दुख देखकर वशिष्ठ जी ने समझाया कि वैसे तो महाराज पुत्र किसी को सुख नहीं दे सकती, अगर कहीं पुत्र अच्छा नहीं है, कर्मवान नहीं है, तब तो वह दुख का कारण और भी बन जाती है, परंतु आप अगर चाहते हैं कि आपको पुत्र प्राप्त हो तो कोई बात नहीं है, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ को बुलवाइए और पुत्रेष्ट यज्ञ करिए, आपको पुत्र अवश्य प्राप्त होंगे।
तब तो महाराज दशरथ जी के आदेश से आखिरकार सुमंत जी श्रृंगी ऋषि को बुला लाए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ जी जब आए तो आखिर पुत्रेष्ट यज्ञ को प्रारंभ किया। पुत्रेष्ट यज्ञ का समापन होने के बाद अग्निदेव ने एक फल दिया और कहा कि महाराज इसे अपने रानियों में खिला देना, आपको समयांतर पुत्र प्राप्त अवश्य होंगे। सो महाराज दशरथ उस फल को ले आकर के रानियों में देते हैं। कैसे? तब राउ प्रिय नारी बुलाई, कौशल्या तहां चली आई। अर्धभाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधा कर लेना। कह के कह नृप सो तय हूँ, रहु सो उभय भाग पुन ले हूँ। कौशल्या कह के हाथ धारी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। महाराज दशरथ अपने प्रेरानियों को बुलाया और उसमें से फल जो है कौशल्या को दिया। तब कौशल्या ने उसके दो भाग किए और आधे के दो भाग किए, जिसमें से एक कैकेयी को और दूसरा जो है सुमित्रा को दिया और कौशल्या ने स्वयं ग्रहण किया। इस तरह से उस फल का भोग लगाने के बाद समय व्यतीत होने लगा और वह शुभ अवसर भी धीरे धीरे आने लगा। रामा यही विधि गर्भ सहित सब नारी, राम हो सिया राम। राम भई हृदय रसित सुख भारी, राम हो सिया राम। राम राम जा दिन ते हरि गरि भैयाए, राम हो सिया राम। राम राम सकल लोक सुख संपत्ति पाए, राम हो सिया राम। राम मंदिर मह सब राज ही रानी, राम हो सिया राम। राम राम शोभाशील तेज के खानी, राम हो सिया राम। राम राम नौमी तिथि मधुमास पुनीता, राम हो सिया राम। राम राम शुक्ल पक्ष अभजित हरि प्रीता, राम हो सिया राम। राम इस तरह से तीनों रानियों के गर्भ हुए और समय बीतने लगा और आखिरकार पवित्र चैत का महीना नौमी की तिथि शुक्ल पक्ष को भगवान का जो है शुभ मुहूर्त में दोपहर के समय में जन्म हुआ। ना उस समय बहुत सर्दी थी और ना ही बहुत गर्मी थी, यह पवित्र समय सब लोगों को सुख देने वाला था। आखिरकार जगत के भार का हरण करने के लिए श्री नारायण ने माता कौशल्या के गोद से जन्म ले लिया। है प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी हरषित महतारी, मुनि मन हारी अद्भुत रूप बिचारी।
लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बन माला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। कह दुई कर जोरी असुतु तोरी कई विधि हरवु अनंता माया गुण ज्ञाना तीत यमाना वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गा वही श्री संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयहु प्रकट श्री कंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे सो मम उरवासी यह उपवासी सुनत धीर मति फिरन रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे कही कथा सुनाई मातु बुझाई जहि प्रकार सुत प्रेम ले। ए माता पुनि बोली सो मति डोली तजहु तात यह रूपा की जैस सुलीला अति प्रिय सिला यह सुख परम अनुपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जगा वही हरि पद पावहि तेन परहि भव कूपा। इस तरह से नारायण का पृथ्वी पर जन्म हो गया। प्रथम तो प्रभु ने अपने अपनी स्वरूप को माता कौशल्या को दिखाया और तब माता कौशल्या की अनेक प्रकार की प्रार्थना के बाद श्री भगवान ने बालक का रूप धारण कर लिया। और तब यहाँ मंथरा को जब समाचार पता चला यानी कि जो दासियां थी उन्हें जब पता चला तो दौड़ी दौड़ी महाराज दशरथ के पास गई और शुभ संदेश सुनाया कि महाराज आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, अतः आपकी तीनों रानियों से चार पुत्रों की प्राप्ति हुई है। पुत्रों का जन्म सुनकर के महाराज दशरथ बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि अहो भाग आज मैं धन्य हो गया। दशरथ पुत्र जन्म सुनी कान्हा दशरथ पुत्र जन्म सुनी कान्हा जन्म सुनी कान्हा मानव ब्रह्मा नंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा चाहत उठत करत मति धीरा। जाकर नाम सुनत शुभ होई जाकर नाम सुनत शुभ होई सुनत शुभ होई आवा गृह मोरे प्रभु सोई मोरे गृह आवा प्रभु सोई। गुरु वशिष्ठ कह
गयऊ हटारा गयऊ हटारा आए दुजन सहितन पर द्वारा। इस तरह से जब रामचंद्र जी का जन्म इस धरती पर हो गया तो महाराज दशरथ के अंदर इतनी प्रसन्नता आ गई कि उन्होंने अपने समस्त समस्त राज्य में समस्त पुरवासियों में यह घोषणा करवाई, मुनादी करवाई कि जितने भी दुखी हैं, जितने भी निर्बल असहाय हैं, वो हमारे यहाँ से आकर के दान ले जावें। आखिरकार महाराज दशरथ जी ने बहुत सारे सोने चांदी वस्त्र आभूषण दान कर दिए और आखिर अयोध्या में खुशहाली छा गई। गृह गृह बाजी बधाव शुभ प्रकटे सुख माकंद हरिषवंत सब जहते हैं नगर नारी नर बृंद मास दिवस कर दिवस भा परम न जानई कोई रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि होई तेही अवसर जो जेही विधि आवा दीन भूप जो जेही मन भावा। उस समय जिस अवसर से जिस कार्य से जिस इच्छा से जो भी आया उसे महाराज दशरथ जी ने उसी प्रकार से उसे दान प्रदान कर दिया और तब धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत हो गए। कछु का दिवस भी ते यही भांति नाम जातन जानिए दिन यरु राति नाम करन कर अवसर जानी भूप बोली पठ ये मुनि ज्ञानी करी पूजा भू पति असभासा धरिय नाम जो मुनि गुण राखा जब कुछ दिन बीत गए तो आखिर महाराज दशरथ जी ने वशिष्ठ जी को बुलवाया और कहा कि मेरे इन पुत्रों का नामकरण करिए कि आखिर इनका नाम क्या होगा। तब तो वशिष्ठ मुनि जी उनके नामकरण करने लगे। विश्वभरण पोषण करी जोई ताकेर नाम भरत यस होई। ऐ महाराज जो संसार का भरण पोषण करते हैं उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होगा उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुधन नाम होगा। जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुधन वेद प्रकाशा अच्छन धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तेही राखा लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे सारे जगत के आधार हैं उनका नाम लक्ष्मण होगा। और तब श्री रामचंद्र जी के विषय में बताया जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रयलोक सुपासी जो सुख धाम राम यस नामा अखिल लोक दायक विश्राम। जो आनंद के समुद्र हैं सुख की रास हैं
जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी हो जाते हैं, वे आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम श्री राम है, जो सुख के भवन और संपूर्ण संसार को शांति देने वाले हैं। इस तरह से नामकरण वशिष्ठ जी ने कर दिया। और उसके बाद कुछ समय और बीता तो वशिष्ठ जी के आश्रम में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ने शिक्षा पाई, और शिक्षा प्राप्त करने के बाद पुनः अयोध्या में आकर चारों भाई रहने लगे। विश्वामित्री महामुनि ज्ञानी बसहि बिपिनि शुभ आश्रम जानी, जह तह यज्ञ जोग मुनि करही अति मारीच सुबाहु डरही। विश्वामित्र महामुनि जो विपिन में अपना आश्रम बना करके तप और तपस्या किया करते थे, परंतु सुबाहु मारीच नामक राक्षस अपने राक्षसी सेना के साथ महामुनि विश्वामित्र जी की तपस्या को भंग कर दिया करते थे। आखिर एक दिन तपस्या कर रहे होते हैं कि उसी समय राक्षस आकर के उनके यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। तब तो महामुनि विश्वामित्र जी को बड़ा दुख होता है और विचार करते हैं। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बीर मन हीन निश्चर पापी। अब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतर हूँ हरहि मही भारा। आखिर तब गाधि के पुत्र विश्वामित्र जी ने विचार किया कि धरा वसुंधरा पर महाराज दशरथ के यहाँ श्री नारायण जन्म लिए हैं, उन्हीं को लेकर के आऊंगा, तब ये निश्चय मारे जाएंगे। ऐसा ही विचार करके महामुनि विश्वामित्र जी अयोध्या की ओर चल पड़े। बहु विधि करत मनोरथ जात न लागी बार, करी मंजन सरयू सलिल गयहु भूप दरबार, गयहु भूप दरबार। ऐसे अनेक प्रकार के विचार महामुनि विश्वामित्र जी करते हुए आखिर सरयू नदी के पास मंजन कर, स्नान कर और तब महाराज दशरथ जी के दरबार की ओर पहुंच गए। और यहाँ सचिव यानी द्वारपालों ने महाराज दशरथ से बताया कि द्वारपाल महामुनि विश्वामित्र जी पधारे हैं, सो महाराज दशरथ तुरंत ही लेने के लिए चल पड़े। मुनि आगमन सुने जब राजा, मिलन गए ले पीप्र समाजा, करी दंडवत मुनि सनमानी, आसन बैठा रेहु यानी। चरण पखारी की नयति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावे, मुनिवर हरस हृदय अति पावे। पुन चरणहि मेले सुत चारी, राम देख मुनि देह बिसारी। भय मगन देव खतमन शोभा, जनु चकोर पूरन ससिलोभा। महामुनि विश्वामित्र जी जब आ गए तो आखिरकार
सब प्रकार से महाराज दशरथ जी ने उनके चरण धोए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को बुलाकर चरणों में प्रणाम करवाया और आसन पर बैठा करके उन्हें भोजन, अच्छे अच्छे भोजन दिए। विश्वामित्र जी की भाव भगत करने के बाद आखिरकार महाराज दशरथ जी पूछने लगे, के ही कारण आगमन तुम्हारा कहूं सो करत न लाम हुबारा। ऐ नाथ, मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि आप जैसे महामुनि हमारे यहां पधारे। अब मैं जानना चाहता हूं कि आखिर आप किस कारण से हमारे राजभवन में पधारे हैं। किस कारण हुआ आगमन है मुनिराज हमें बतला दीजे। जो आए हैं अभिलाष लिए आज्ञा देकर फरमा दीजे। ऐ स्वामी, किस कारण से आपका आगमन हुआ है बताइए, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। तब तो महामुनि विश्वामित्र जी ने महाराज दशरथ से कहा कि ए राजन, आया हूँ तो अवश्य प्रकट करूँगा, आपको अवश्य बतलाऊंगा। सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ वन में निश्चरिया जाते हैं। कर यज्ञ भाग्य सब सामग्री भारी उत्पात मचाते हैं। ऐ राजन, मैं जब यज्ञ करता हूं तो तमाम राक्षस आकर के मेरे यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। सो मैं चाहता हूं, नहीं चाहिए अवधपति राज पाठ धन कोष राम लखन प्रभु दीजिए हृदय सहित संतोष। ऐ राजन, मुझे राम और लक्ष्मण को दे दीजिए, मैं राम लक्ष्मण को अपने साथ ले जाना चाहता हूं। तब तो महाराज दशरथ बड़े दुखी हो गए। अरे चार पुत्र चौथे पन में कष्टों से मैंने पाया है। बहुत अच्छे। बिन सोच विचार ऐ स्वामी ये कठोर वचन सुनाया है। यदि आज्ञा प्रभु की होवे तो यदि आज्ञा स्वामी की हो तो मैं अभी साथ में चलता हूं। असुरों के दल को है स्वामी, असुरों के दल को है स्वामी पल भर में मार भगाता हूं। ऐ स्वामी, राम लक्ष्मण मेरे प्राणों से प्यारे पुत्र चौथे पन में प्राप्त हुए हैं। सो राम लक्ष्मण को न लेकर के आप कहें तो मैं स्वयं सेना को लेकर के चलूंगा और आपके यज्ञ की रक्षा अवश्य करूंगा। बस राम लक्ष्मण को ना मांगिए। तब तो विश्वामित्र जी बहुत क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर महाराज दशरथ से कहा, इतना कायर इतना लोभी राजन मैं नहीं जानता था। है पुत्र मोह में फंसा हुआ मैं ऐसा नहीं जानता था। ये
यदि कहता जाकर शंकर से, यदि कहता जाकर शंकर से तो छोड़ कैलाश चले आते। विष्णु से जाकर कहता तो चल पड़ते छोड़ गरुड़े आसन। ऐ राजन, अगर मैं शिव से कहता तो कैलाशपुरी छोड़कर मेरी यज्ञ की रक्षा करते। अगर मैं विष्णु से कहता तो अपने गरुड़ आसन को छोड़कर के मेरे यज्ञ की रक्षा करते। और महाराज, मैं स्वयं इन निश्चरों का संहार करने में सक्षम हूं। सिर्फ मैं नहीं चाहता हूं कि मैं फिर से शस्त्र उठाऊं। क्या आप नहीं जानते, एक समय मैं भी राजा था और मैं भी युद्ध किया करता था, परंतु अब नहीं चाहता कि मैं अपने हाथों में शस्त्र उठाऊं। राम लक्ष्मण को नहीं देना चाहते हो? कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूं। विश्वामित्र जी जब चल पड़े तो आखिर कुल पुरोहित वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ को समझाया कि ऐ राजन, राम लक्ष्मण को दे दो, इसमें राम लक्ष्मण का ही कल्याण है। सब प्रकार वशिष्ठ जी ने जब समझाया तो बड़े दुखी मन से महाराज दशरथ ने राम लक्ष्मण को बुलवाया। राम लक्ष्मण को बुलाकर आखिर महामुनि विश्वामित्र जी के हाथों में देते हुए बोल पड़े, अति आदर दोउ तनय बुलाएंगे, हृदय लाई बहु भांति सिखाए, मेरे प्राण नाथ सुत दोउ तुम मुनि पिता आन नहीं गो। ए स्वामी, मेरे प्राणों से प्यारे राम लक्ष्मण, आज से आपकी संतान है, आप इन्हें अपने पुत्रवत स्नेह करिएगा। और राम लक्ष्मण को समझाते हुए महाराज ने कहा, ऐ मेरे राम लखन जाओ, ऐ मेरे राम लखन जाओ, जाकर गुरु की सेवा करना। रक्षा करना यज्ञ की तुम, रक्षा करना यज्ञ की तुम, गुरु की सेवा में ही रहना। पुत्र राम लक्ष्मण जाओ, आज से महामुनि विश्वामित्र जी तुम्हारे लिए माता पिता के ही समान हैं। उनके यज्ञ की रक्षा करना पुत्र, और गुरु की सेवा करना, और उनकी आज्ञा का उल्लंघन कभी मत करना। और हाँ, जैसे मैं दुखी हूं, अपनी माता से मत जाके कहना, अन्यथा वो भी मेरी तरह ही दुखी होंगी। आखिरकार महामुनि विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण जी चल पड़े। सौंपे भूपरि सिंह सुत बहु विधि दे आशीष, जननी भवन गए प्रभु नाई चले पद शीस। लेकिन विश्वामित्र जी ने कहा कि राम, जाकर के अपनी माता से आज्ञा लेकर के आओ। सो राम जी ने माता कौशल्या से आदेश लिया और आदेश लेकर के विश्वामित्र जी के साथ चल पड़े। तुलसीदास जी लिखते हैं, पुरुष सिंह दौ वीर हरसी चले मुनि भये हरन, कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करन। गोस्वामी जी लिखते हैं कि पुरुषों में सिंह के रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरण करने के लिए प्रसन्न मन से चल पड़े, चले जा रहे हैं। विश्वामित्र के साथ में राम लखन धनुधारी चल।
लिए। विश्वामित्र के साथ में राम लखन धनुधारी चल लिए। माता से आदेश लिए चली भैले बनवा बोरी। माता से आदेश लिए चली भैले बनवा बोरी। संहारक असुरों के राम जी खींचे धनुष के डोरी। होई असुर के काम तमाम राम धनुधारी चल दिए। क्या बात है मंडल। श्याम गौरी सुंदर दऊ भाई विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मा ने देव मैं जाना मोहि पिता तजे भगवान। अवध बिहारी चल दिए विश्वामित्र के साथ मेरा लखन धनुधारी चल दिए। राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ चलते भे। आखिर विश्वामित्र जी आगे चलते चलते राम लक्ष्मण जी से पूछा कि राम मेरे कुटिया में जाने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो तीन पहर का है और एक रास्ता तीन दिन का है, लेकिन जो तीन पहर का रास्ता है उसमें ताड़का नामक महाभयानक राक्षसी रहती है, और जो तीन दिन का है उसमें किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। सो राम बताओ हम किस रास्ते से चले। श्री राम ने कहा कि हे स्वामी, आप उस रास्ते से चलिए जो तीन पहर का है, जिसमें ताड़का नाम की राक्षसी रहा करती है। तब श्री राम चले और जब ताड़का बनाया तो महामुनि विश्वामित्र जी भयभीत हो बोले कि हे राम, मैं आगे नहीं चल सकता क्योंकि मुझे भय लगता है। सो श्री राम आगे आगे चले, बीच में महामुनि विश्वामित्र जी और पीछे से लक्ष्मण जी, तब ताड़का वन आ पहुंचे। एहा 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 चले जात मुनि दीख दिखाई। सुन ताल का क्रोध कर धाई। जैसे जैसे चले जा रहे हैं कि आखिर ताड़का ने देखा और भयानक स्वरूप बना करके खाने के लिए दौड़ी, लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एक ही बाण प्राण हर लीना। दीन जानते ही निज पद दीना। एक ही बाण से ताड़का का वध करके श्री रामचंद्र जी ने आखिर महामुनि विश्वामित्र जी की इच्छाओं की पूर्ति कर दिए। और तब जब आश्रम में पहुंचे तो महामुनि विश्वामित्र जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अनमोल विद्या राम लक्ष्मण को प्रदान की। तब ऋषि निज नाथ ही जी चिन्ही विद्या निधि कहु विद्या दीनी। जाते लागन क्षुधा पिपासा अतुलित बल तन तेज प्रकाशा।
उसी समय महामुनि विश्वामित्र जी ने एक ऐसी विद्या प्रदान की जिससे हजारों हजारों वर्षों तक उन्हें भूख नहीं सताती। उन्हीं की विद्या से आगे चल करके लक्ष्मण जी 12 वर्षों तक बिना भोजन किए रहे। आखिर इधर रात्रि हुई, संध्या वंदन कर सभी भोजन ग्रहण कर विश्राम करने लगे। और इधर सवेरा हुआ तो देखा कि धूल धूल उड़ रही थी और सुवाह मारीच की सेना युद्ध करने के लिए आ रही थी। सो श्री राम ने कहा कि हे स्वामी, आप यज्ञ करिए, हम आपकी यज्ञ की रक्षा के लिए तैयार हैं। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, प्रात कहा मुनि सन रघुराई, सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहूं तुम्हें जाए। होम करने लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। होम करने लागे मुनि झारी, सुनि मारी चनि साचर क्रोही। लय सहाय धावा मुनि द्रोही, यहां वहां मुनि विश्वामित्र जी यज्ञ करने लगे कि यहां सुबह हमारे इस पहुंच गए। आखिर युद्ध होने लगा। श्री रामचंद्र जी ने एक ही बाण में सुबाह को मार दिया और सुबाह वैकुंठ लोक की ओर चला गया। लेकिन मारीच, जिसे श्री रामचंद्र जी ने उठा करके फेंक दिया, जाकर के गिरा कहां, पंचवटी में, नासिक के नाम से आजकल जाना जाता है। और वही मारीच आगे चल करके मामा मारीच के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बिनु फर राम बाण तहि मारै, सतयोजन गा सागरे पारा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, सुबाहु पुनि मारा, अनुजनि साचर कटक सन्हारै। इस तरह से सुबाहु मारीच मारे गए। महामुनि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा हो गई। तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन भी प्रण पर दाया। भगत है तू बहु कथा पुराना, कहीं भी प्रज्यद्यपि प्रभु जाना है। यहाँ अनेक प्रकार की कथाएं महामुनि विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को बताते, यद्यपि भगवान राम जानते हैं फिर भी बड़े प्रेम से सुनते हैं। जनक जी का सचिव आ गया, नम्र निवेदन है मुनि सुनिए चित को लाए। सिया स्वयंवर है तो राजा जनक जी ने बुलाया। तो तब मुनि कहा, तब मुनि सादर कहूं बुझाई। चरित एक प्रभु देखिए जाई, महामुनि विश्वामित्र जी ने कहा, ए राम लक्ष्मण, निमंत्रण आया है मिथिला से राजा जनक जी का, स्वयंवर हो रहा है, प्रातः काल ही चलना है। आखिर प्रातः काल हुआ, राम लक्ष्मण जी महामुनि विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर की ओर चल पड़े हैं। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथाय, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर कैसा था।
जनकपुर की ओर चल पड़े हैं राम लक्ष्मण महामुनि विश्वामित्र जी के साथ। लेकिन आश्रम एक दिख मगी माही खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी सकल कथा मुनि कहूं बिसेखी। जब जनकपुर की ओर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी विश्वामित्र के साथ जा रहे थे कि वहीं मार्ग में एक स्त्री के समान बना हुआ पत्थर दिखाई पड़ा। ऐसा लगता था कि स्त्री की मूर्ति है, जहां पर न तो कोई जीव है, न जंतु है, न पशु है, न पक्षी है। उस समय श्री रामचंद्र जी के मन में जिज्ञासा हुई, सो उन्होंने पूछ लिया कि हे स्वामी, ये बताइए, यह तो आश्चर्य का विषय लगता है, आखिर बात क्या है? तब तो महामुनि विश्वामित्र जी ने बताया कि यह गौतम ऋषि की नारी अहिल्या है, जो श्राप के कारण पत्थर हो गई है। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुबीर। हे राम, यह गौतम ऋषि की नारी अहिल्या है, श्राप के कारण पत्थर हो गई है, तुम्हारे चरणों की धूल चाहती है, इस पर सुख कृपा कर दीजिए। श्री राम ने कहा, प्रभु किसी पराई स्त्री को पैर से स्पर्श करना तो उचित नहीं होता है। तो महामुनि विश्वामित्र जी बताते हैं कि किसी के दुख का निवारण करने में आप पैर से भी स्पर्श करते हैं, जिसमें उसका हित होता है तो गलत नहीं होता है राम। जिस प्रकार से वह झूठ सत्य से भी उत्तम होता है, जिसमें किसी के प्राणों की रक्षा हो, ऐसे झूठ सत्य से कहीं श्रेष्ठ होते हैं। इसलिए हे श्री राम, इसका उद्धार करो, यह तुम्हारे चरणों की धूल से इसका उद्धार हो जाएगा। तो श्री रामचंद्र जी ने चरण स्पर्श किया तो हुआ क्या? पर सत पद पावन शोक न सावन प्रकट भई तप पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोर रही। अति प्रेम यधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवई बचन कही अक्षय बड़ भागी चरण ही लागी जुगल नयन जलधार बही। धीरज मन कीन्हा प्रभु कह चीन्हा रघुपति कृपा भगत पाई अति निर्मल बानी अस्तुत ठानी ज्ञान गम्य जय रघुराई। जय हो जय हो। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई राजीव बिलोचन भय भव मोचन पाही पाही सर नहीं आई। क्या बात है। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह मैं माना देखे उभरी लोचन हरिभव मोचन इहै लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं अति भोरी नाथ न मागे ऊपर आना पद कमल परागा रस अनुरागा मन मधुप पान करे। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रकट भई शिव रूप धरी सोई पद
सोई पद पंकज जही पूजत यजमन सिर धरऊं कृपाल हरे। यही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार चरि चरण परी सोयति मन भावा सोबरु पावा गए पति लोग आनंद भरी। जैसे ही श्री राम ने चरण स्पर्श किए वह एक सुंदर स्त्री बनकर श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करने लगी और सब प्रकार से प्रभु की वंदना करके प्रसन्न मन से श्री नारायण के अपने पति के लोक की ओर चली गई। ऐसे कृपा के निधान भगवान श्री रामचंद्र जी समस्त भक्तों के लिए दया कारक हैं। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयालु तुलसीदास सठ ते ही भजु छाड़ कपट जंजाल। और अब अहिल्या का उद्धार करने के बाद महामुनि विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर गंगा की ओर चल पड़े। चले हूँ राम लक्ष्मी मन मुनि संगा गए हूँ जहाँ जग पावन गंगा गाधी सुनु सब कथा सुनाई जहि प्रकार सुर सर महियाई तब प्रभु ऋषि समेत नहान विविध दान मही देवन पाए। राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ गंगा के समीप पहुंचे तो वहां महामुनि विश्वामित्र जी ने गंगा कैसे आई, गंगा पृथ्वी पर कैसे आई और किस तरह से गंगा का यहां आगमन हुआ सारी कथा को राम लक्ष्मण को कह सुनाया। और तब उस गंगा माता में सभी स्नान करके तमाम और फिर आगे महाराज जनक की ओर मिथिला देश चल पड़े। राम हरस चले मुनि बृंद सहाया राम 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 बेग विदेह नगर नियराया राम 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 पुर राम्यता राम जब देखी राम सिया राम 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 हरस अनुज समेत विसेखी राम सिया राम इस तरह से राम लक्ष्मण महामुनि विश्वामित्र जी चलते चलते जनकपुर में पहुंच गए। इधर पुरवासियों ने समाचार महाराज जनक जी को बतलाया कि महामुनि विश्वामित्र जी आए हुए हैं। महामुनि विश्वामित्र जी का आगमन सुनकर के महाराज जनक जी बड़े ही प्रसन्न हुए और स्वयं लेने के लिए चल पड़े हैं। संग सचिव सुचि भूरी भट्ट भूसुरी बरे गुरु ग्यावाती चले मिलन मुनि नायक ही मुदित राव ये ही भांति। बड़े ही प्रसन्न मन से महाराज जनक जी विश्वामित्र जी से मिलने के लिए चले। कीन प्रणाम चरण धरि माथा Oh!
शशिष मुदित मुनि नाथा विप्र वृंद सब सादर बंदे जानी भाग्य बड़ राहु आनंद कुशल प्रश्न करी बारही बारा विश्वामित्र नृपति बैठारा सर आए दो भाई गैर है देखन फुलवारी उठे सकल जब रघुपति आए विश्वामित्र निकटी बैठारे मामुनि विश्वामित्र जी के पास जनक जी जब आए तो कुछ देर में राम लक्ष्मण जी फुलवारी में फूल लेने के लिए गए हुए थे सो वो भी आ गए जिन्हें देख करके महाराज जनक जी देखते नहीं थकते और पूछते हैं कि गुरुदेव ये दोनों सुकुमार सांवरे और गोरे रंग के कौन हैं? तो महामुनि विश्वामित्र जी आखिर बताते हैं कि महाराज दशरथ के ये सबसे बड़े पुत्र राम और ये उनके छोटे भाई लक्ष्मण हैं स्वयंवर में हमारे साथ आए हुए हैं। तब सब प्रकार से महाराज जनक जी ने विश्वामित्र जी को वहीं अमराई में ठहराया और पुनः स्वयं जो है राजभवन की ओर चले आए। यूं तो आखिर धीरे धीरे स्वयंवर का समय भी आ रहा था कि इधर संध्या हुई और संध्या होने के बाद सभी विश्राम करने लगे और जब सुबह हुआ तो नित्र किया करने के बाद श्री रामचंद्र जी विश्वामित्र से जी से बोले कि हे नाथ लक्ष्मण के मन में जनकपुर देखने की हार्दिक अभिलाषा हुई है। विश्वामित्र जी ने आदेश दिया कि जाओ दोनों नगर को अवलोकन करके शीघ्र लौट आना। तब राम लक्ष्मण जी चल पड़े। लखन हृदय लाल साथ से जाई जनकपुर आई देखी राम अनुज मन की गति जानी भक्त बचलता हुलसानी परम विनीत सकुच मुस्काई बोले गुरु अनुशासन पाए सुनि मुनि सकह बचन सप्रीति कसन राम तुम राखहु नीति अरे धर्म से तू पालक तुम ताता प्रेम विवश सेवक सुखदाता महामुनि विश्वामित्र जी का आदेश लेकर के राम लक्ष्मण जी जनकपुर देखने के लिए जा रहे हैं। लागल मीनापुर बाजार जनक के पावन नगर जनक के पावन नगरी लागल मीनापुर बाजार जनक के पावन नगरी मुनिपद कमल बंद दो भ्राता चले लोक लोचन सुखदाता बालक वृंद देख अति शोभा लगे संग लोचन मन लोभा जिस समय राम लक्ष्मण जी जनकपुर में पहुंचे सभी बालक वृद्ध
प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ चलने लगे और बालकगण राम लक्ष्मण जी के पास आए और उन्हें कहा कि आइए हम अपने इस नगर का अवलोकन आपको करवाएंगे। आखिर सभी जनकपुर नगर को देखने लगे। जब जनकपुर देखने के लिए राम लक्ष्मण जी आए तो यहाँ जो स्त्रियां थी वो देख करके बहुत प्रसन्न होती हैं और आपस में बात करने लगती हैं। देखन नगर भूप सुत आए समाचार पुरवासिनी पाए। हे जनक नगरी हो जनक नगरी लागल मीनापुर बाजार जनक के पवन नगरी। जनकपुर में जब राम लक्ष्मण जी पहुंच गए तमाम तरीके के व्यापारी वहां आते हैं। आप सब रामलीला मंचन पर देखते हैं किस तरह से। आखिर जब धीरे धीरे काफी समय हो जाता है, कोलाहल ज्यादा होने लगता है, तो राम जी कहते हैं कि अब हमें समय हो गया है, अपने गुरु से मिलने के लिए जाएंगे। तो बालक नहीं मानते हैं और लोग कहते हैं कि हम भी आपके साथ जाएंगे। राम जी समझाते हैं कि भाई आप लोग अपने घर जाइए, क्योंकि आप हमारे साथ जाएंगे तो आपके माता पिता बहुत दुखी होंगे। सब प्रकार से समझा करके राम लक्ष्मण जी महामुनि विश्वामित्र जी के पास चल पड़े। कौतुक देख चले गुरु पाही जान विलंब त्रास मन माही। कौतुक देखी ओ जनक के नगरी ओ जनक नगरी लागल मीनापुर बाजार जनक के पावन नगरी। राम लक्ष्मण जी आखिर नगर को देख करके महामुनि विश्वामित्र जी के पास पहुंच गए और तब सबने संध्या वंदन किया और संध्या वंदन करने के बाद शयन करने लगे। निसि प्रवेश मुनिया यसुदीना संध्या वंदन सब शिकिना। मुनिवर शयन कीनी तब जाएंगे लगे चरण चापन दो भाई। संध्या वंदन करने के बाद महामुनि विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को अनेक प्रकार के इतिहास का वर्णन करते हैं और तब स्वयं विश्राम करने लगते हैं। तो राम लक्ष्मण जी दोनों भाई महामुनि विश्वामित्र जी के पैर दबाते हैं, आखिर उनकी सेवा करने लगते हैं। जिनके चरण सरार लागी करत विधि जप जोग विलासी। गोस्वामी जी कहते हैं कि जिन नारायण के चरणों का वंदन करने के लिए, चरणों का स्पर्श पाने के लिए युग युगांतर तक ऋषि संत महात्मा तपस्या भजन इत्यादि करते हैं परंतु फिर भी सफल नहीं होते, ऐसे श्री राम स्वयं आज अपने गुरु की सेवा में लगे हुए हैं। बार बार मुनि आज्ञा दीनी रघुवर जाई सयनु तब कीनी। आखिर बार बार विश्वामित्र जी ने कहा कि ऐ राम जाओ विश्राम कर लो, तब श्री राम विश्राम करने के लिए गए तो क्या हुआ। चापत चरण लखन उरी लाएंगे सभय सप्रेम परम सच पाए। पुनि पुनि प्रभु कहे सो ताता पौढ़े धर उरी पद जल जाता। कितना अपार प्रेम है
कि जब राम विश्राम करने लगे तो लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के पैर दबाने लगे, अर्थात उनकी सेवा करने लगे। बार बार राम जी कहते हैं कि भाई लक्ष्मण विश्राम कर लो, तब जाकर के लक्ष्मण जी विश्राम करने के लिए चले गए। इस तरह से रात्रि बीती। तो क्या हुआ, उठे लखन सुबिगत यति अरुण सिखा धुन कावन, गुरु ते पहले जगत पति जागे राम सुजान। अर्थात सबसे पहले लक्ष्मण जी उठे, सबसे बाद में लक्ष्मण जी सोए हैं और सबसे पहले लक्ष्मण जी उठ रहे हैं, उसके बाद रामचंद्र जी उठते हैं और सबसे बाद में गुरु जी उठते हैं। सकल सोच करी जाय नाए नित्य निवाहि मुनि सिरु नाए। प्रातः काल राम जी लक्ष्मण जी नित्य क्रिया करने के बाद गुरु विश्वामित्र जी के चरणों में आकर के शीश झुकाए। तब गुरु विश्वामित्र जी ने कहा कि अरे राम, मेरे पूजा के लिए जा करके जनक जी की फुलवारी से फूल लेकर के आओ। तब राम लक्ष्मण जी गुरु को प्रणाम कर फूल लेने के लिए जनक की फुलवारी की ओर चल पड़े। समय जानी गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई, चौदिस चितई पूछ मालीगन। जनक जी की फुलवारी में राम लक्ष्मण जी पहुंच गए। आखिर रामचंद्र जी ने कहा कि कोई माली है भाई, तो मैं उससे यह कहना चाहता हूं कि मैं फुलवारी से अपने गुरु की पूजा के लिए कुछ फूल लेना चाहता हूं। आखिर माली से पूछकर राम लक्ष्मण जी फुलवारी की ओर चल पड़े। लेकिन इधर जनक नंदिनी सीता जी भी अपनी सखियों के साथ गौरी पूजन के लिए आई हुई हैं। कैसे, तही अवसर सीता तह आई, तही अवसर सीता तह आई, सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। संग सखी सब सुभग सयानी गावहीं गीत मनोहर बानी। क्या बात है, सीता जी जब फुलवारी की ओर चली गौरी पूजन करने के लिए, तभी एक सखी थी, उसने कहा सखी मेरा मन कर रहा है कि मैं जरा फुलवारी में घूम करके आऊं। सखी से आज्ञा लेकर के सखी फुलवारी की ओर चल पड़ी। तो फुलवारी की ओर जब गई तो देखा कि राम लक्ष्मण वहां फूल चुन रहे थे। सुनरी पवन पुर भैया मैं हूँ अकेली अलबेल तू सहेली मेरी बन जा साथिया, मेरी बन जा साथिया। एक सखी सिया संगा बिहाई, देखन गई रही फुलवारी, तै दौ बंधु बिलो के सुजाई, प्रेम विवश सी तापहि आई। सखी घूमते घूमते फुलवारी में गई और राम लक्ष्मण को देखा तो अत्यंत मोहित हो गई और प्रेम के विवश होकर के सीता जी के पास चली आ रही है। कैसे, चमके बदन जैसे धूप और छैया, मैं हूं अकेली अलबेल तू सहेली मेरी बंजा साथिया, मेरी बंजा साथिया,
साखिया। सखी घूम करके आई, राम जी लक्ष्मण जी को देख करके मंत्र मुग्ध हो गई। उससे कुछ कहा नहीं जा रहा था। सीता ने पूछा कि तू तो पूरी बांवरी हो गई है, मुझे बता कि क्या बात है, तेरे कुछ बात समझ में नहीं आते। तो सखी बता रही है कि ऐ सखी क्या कहूँ, राजकुमार दो आए हैं जो मन को एकदम हरण करने वाले हैं। कहती क्या है सखी, हमके लगाई गई लटोना, अरे मोरी सखिया रे, हमके लगाई गई लटोना, किशोर गोरी सांवर दुई सलोना। सखी बता रही है सीता जी से कि ए सखी क्या बताऊं, देखन बगिया कुमर दउवा सखी, देखन बगिया मनहु मनोहर ता छवि पाए सखी, मनहु मनोहरी झनके लदहिया के कोना, अरे कोना रे सखिया, झनके लदहिया के कोना, किशोर गोर सांवर दुई सलोना। क्या बताऊं सखी, जब से मैंने देखा है मेरे मन में बड़ी चंचलता आ गई है, तुम भी चल करके तो सखी देख लो। सीता जी ने जब सखी की बात सुना तो आखिर कहा कि चलो फिर दिखाओ, हम भी देख लें। सीता जी जा रही है कैसे, चली अग्र करी प्रिय सखी सोई हो, चली अग्र करी प्रीत पुरातन लखसन कोई, प्रीत पुरातन हमके लगाई दिहल टोना, टोना 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 हो, हमके लगाई दिहल टोना, किशोर गोर सांवर सलोना। जब सीता जी वहां पहुंची तो देखा राम लक्ष्मण जी फूल चुन रहे थे। लक्ष्मण जी और राम जी फूल चुन रहे थे कि अचानक राम जी ने सीता जी को देखा और सीता जी ने राम को देखा, और जब राम ने सीता को देखा, सीता राम ने देखा, तो दोनों देखते ही रह गए। कैसे, राम को देख करके जनक नंदिनी वाटिका में खड़ी रह गई, राम को देख करके वो जनक नंदिनी वाटिका में खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख करके जनक नंदिनी वाटिका में खड़ी की खड़ी रह गई। होता है क्या,
राम देखे सिया को तो सिया राम को, राम देखे सिया को सिया राम को, चारो यकिया लड़ी की लड़ी रह गई। राम देखे सिया को सिया राम को, चारो यकिया लड़ी की लड़ी रह गई। प्रीत होने लगी दोनों में इस तरह, प्रीत होने लगी दोनों में इस तरह, सारी सखियां खड़ी की खड़ी रह गई। राम जब सीता को देखते रह गए, सीता राम को देखते रह गई, तब आखिर रामचंद्र जी ने एक पल के लिए लक्ष्मण को कहा कि ए लक्ष्मण, यही सीता है जिसके लिए स्वयंवर हो रहा है। कहते हैं क्या, ए तातिलखो यह सीता है मैंने अनुमान लगाया है, इसीये तू राजा जनक ने सिया स्वयंवर रचाया है। इसमें उसमें कलंक तो धब्बा है, सीता में कोई कलंक नहीं, इस चंद्रमुखी सीते को सस को हो सके मयंक नहीं। तारों सा घिरा चंद्र जैसा, तारों सा घिरा चंद्र जैसा आकाश में शोभा पाता है, बस इसी तरह सखियों के बीच सीता का रंग सुहाता है। ऐ लक्ष्मण, यही तो जनक नंदिनी है जिसके लिए स्वयंवर रचाया गया है। उस चंद्रमा में तो कलंक लगता है, परंतु इस सीते में किसी प्रकार का कोई कलंक नहीं है। सो हे लक्ष्मण, क्या कहें, सीता अत्यंत ही सुंदर है। सो लक्ष्मण जी ने राम जी के वचन सुनकर के कुछ इस तरह से कहा, इसमें क्या समता बड़ी, सुनिए कृपा निधान, सिया चंद्र के तुल्य हैं आप तो भानु समान। हे नाथ, अगर सीता जी चंद्रमा से सुंदर हैं तो आप सूर्य से भी बढ़कर के हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि ए भाई लक्ष्मण, किसी भी प्रकार से हमें पराई स्त्री को देखना उचित नहीं है, और अब देर भी हो रही है। चलो, फूल तो हम ले चुके हैं, अब गुरु जी के पास हमें अतिशीघ्र चलना चाहिए। इतना कहकर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी विश्वामित्र मुनि के पास चल पड़े। यहाँ सीता जी बहुत ही दुखी हो गई जब राम और लक्ष्मण को नहीं देखा। सखी पूछती है कि ऐ सीते, क्या हुआ तुम्हें? सीता जी कहती हैं कि अगर वे राजकुमार गए होंगे तो संभवतः मेरे इस शरीर में जीवन धारण करना बड़ा ही कठिन होगा। सो दूसरी सखी कहती है कि सखी, बहुत विलंब हो गया है, अब चल करके गौरी पूजन करना चाहिए। सो सभी गौरी पूजन के लिए चल दिए। दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी
मैं बंद आंखें पूजा करूंगी तेरे होके रहूंगी तेरे गई भवानी भवन बहारी बंद चरण बो लीकर जोरी जय जय जयती खदान माता जय महेश जय 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 गिरिराज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी जय गजपदानी खदानन माता जगत जननी दा मिनी दूति दाता सबसे तुझे बचा कर लूंगी मैं बंद पूजा करूंगी तेरी होके देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब सुखार देवी पूजी पद मोर मनोरथ जानहुनी के बसहु सदा उरपुरी सब ही के सबसे तुझे बचा के कर लूंगी मैं बंद आंखें पूजा करूंगी तेरे होके रहूंगी तेरे पूजा करूंगी तेरे होके रहूंगी तेरे प्रकटन कारण ते ही अस गही चरण गहे बदेही सब प्रकार से माता दुर्गा के सामने माता गौरी के सामने माता सीता जी अपने मन की व्यथा को कहती हैं। देवी माता प्रसन्न हो जाती हैं और प्रसन्न होकर के वरदान देती हैं कि ए सीते तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। बिना प्रेम बस भई भवानी खसिमाल मूर्ति मुस्कानी सुन सिय सत्य सीस हमारी पूजहि मन कामना तुम्हारी। माता गौरी के आशीर्वाद को पा करके आखिर सीता जी अपने भवन की ओर चल पड़ी। आज मिला है महेशा मरिया आज मिला है मोहे सावरिया मोरी छम छम बजे पाया मोरी छम छम बजे पाया आज मिला है मोहे सावरिया सखी आज मिलो है मोहे सावरिया मोरी छम छम बजे पर
यहाँ सीता जी भवन की ओर जा रही हैं, यहाँ राम लक्ष्मण जी महामुनि विश्वामित्र जी के पास जा रहे हैं। हृदय सराहत सियलुनाई गुरु समीप गवन दो भाई। हृदय सराहत राम कहा सब कौस के पाही सरल स्वभाव छुअत चल नहीं। यहाँ राम लक्ष्मण जी सीता जी की विशेषता करते हुए गुरु के समूह पहुंचे, चरणों में शीश झुकाया। मन की बात को महामुनि विश्वामित्र जी जान गए और उन्होंने कहा, सुफल मनोरथ होई तुम्हारे राम लखन भुन भयउ सुखारे। सुमन पाई मुनि पूजा किनी पुण्याशीष गौ भाई निदिने। इस तरह से महामुनि विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दे दिया कि हे राम तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। महामुनि विश्वामित्र जी, लक्ष्मण जी, राम जी स्वयंवर के मक्षशाला की ओर चल पड़े, जहां पर महाराज जनक जी ने स्वयंवर भूमि बनाई हुई थी। रंग भूमि आये दो भाई, असुधि सब पुरवासिनी पाई। देखी जनक भीड़ भई भारी, भीड़ भई भारी, सुचि सेवक सब लिए उहंकारी। राजकुमार तेहि अवसर आए, मनहु मनोहर तातनु छाए। राज समाज विराज तरूर, उड़गन महु जन जुग विधुपुर। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन्ह देख सिसी। यहाँ राम लक्ष्मण जी स्वयंवर भूमि में चले जा रहे हैं। जिस समय स्वयंवर भूमि में आए, तमाम राजा महाराजा प्रजा सभी उन्हें देखते हैं। जिसकी जैसी भावना है उस प्रकार से प्रभु की मूर्ति देखते हैं। पुरवासिनी देखे उदो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। जनक जाति अवलोकस कैसे, सजग सगे प्रिय लाग तुझे से। यहां सभा में तमाम देश देशांतर के राजागण आने लगे, अपनी अपनी सामर्थ्य को दिखाने के लिए महाराज जनक जी के स्वयंवर में आ पहुंचे। तब महाराज जनक जी अपने सचिवों से कहते हैं कि हमारे यज्ञ को समस्त राजाओं के बीच में जाकर के प्रस्तुत करो। तब बंदी जन जनक बुलाए, तब बंदी जन जनक बुलाए, जनक बुलाए, बिरदावली कहत चली आए।
कह नृप जाई कहूं प्रण मोरा चले भाट हर सिन थोरा। जब राजा जनक जी ने आदेश दिया तो आखिर बंदी जन जाकर के समस्त सभा में जाकर महाराज जी के प्रण को कहने लगे। बोले बंदी वचन वर सुनो सकल महिपाल प्रण विदेह कर कहीं हम भुजा उठाई विशाल। ऐ देश देशांतर के राजागण, हमारे महाराज जनक जी ने यह स्वयंवर में धनुष रखा हुआ है। इस धनुष की प्रत्यंचा जो कोई चढ़ाएगा सो सीता उन्हें अर्पण हो जाएंगी, अर्थात महाराज जनक उसे अपना जमाता स्वीकार करेंगे। महाराज जनक जी के प्रण को सुनकर तमाम राजा महाराजा धनुष को तोड़ने के लिए प्रयत्नशील हो गए, लेकिन तब उसी समय लंकाधिपति रावण और बाणासुर सभा में उपस्थित हुए। अवसर रावण तहाबा देख मही पति सब भय पावा। तमाम उपस्थित यहाँ पे राजागण महाराजागण, मैं महाराज जनक से प्रश्न करना चाहता हूँ कि तमाम सारे राजाओं को निमंत्रण दिया लेकिन मुझे निमंत्रण नहीं दिया गया, परंतु फिर भी मैं सभा में उपस्थित हूँ और कहाँ है जनक की कन्या सीता, मैं इस धनुष का खंडन करके उन्हें अपने साथ अभी लेके जाता हूँ। रावण इस तरह से जब अपने वक्तव्य को रखा तो बाणासुर उसी समय आया और बाणासुर ने कहा कि इस तरह से प्रलाप करते हुए रावण को शर्म नहीं आती है, यह धनुष का पिनाक है, इसे तोड़ना कोई आसान काम नहीं है। सो बाणासुर के वचन को सुनकर के रावण क्रोधित हुआ और बोला, ऐ भुज दंडन के बल से शीघ्र महिमंडल बस में किया है भूर प्रताप अखंड प्रचंड सुखंड नवो महदंड लिए है। काल महापरिपंड बलि कर दंड छुड़ा एक बंद किया है बद्र करो सत खंड इते बाड़ा सूर्यो अनुमान कियो है। ऐ बाणासुर, इस मामूली से धनुष का खंडन करने में मुझे जरा भी परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सृष्टिपति चतुरानन नित्य ही मोकहि के कहि वेद सुनावे भोजन तैयार करे अमराज सदा शिव आय के दर्श दिखावे। तो बाणासुर मेरे प्रताप को नहीं जानता है, स्वयं सृष्टिपति ब्रह्मा जी प्रत्येक दिन मेरे यहां आते हैं, महादेव की सदैव मुझ पर कृपा बनी रहती है और मृत्यु सदा मम पाँव पिलोटत पवन बली नित झाड़ू लगावे यादन के हित बाणासुर रही रही हमको का धमकावे। बाणासुर तुम्हें समझना चाहिए कि मैंने मृत्यु को भी अपने बस में कर लिया है, तमाम सुरासुर मेरे बस में हैं, और तो और मैंने कैलाश को भी अपनी इन मजबूत भुजाओं से उठा लिया है। तो बाणासुर क्या कहता है, क्यों बहु बात किया दस कंधर मैं तुमको जग में भल जानो मान गुमान तजो न कबो बल सौरिप। रावण, इस तरह का अभिमान अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मेरे पिताजी महाराज बलि जिन्होंने 52 अवतार नारायण को समस्त
पृथ्वी आकाश स्वर्ग दान में दे दिया, लेकिन इस तरह से वृथा बकवास कभी नहीं किया, प्रलाप नहीं किया, लेकिन तुम व्यर्थ में बहुवाद करते हो, तुम धनुष को छुपी नहीं सकते। चाहते हो तुम्हारा सम्मान बना रहे तो वापस लौट जाओ। आखिर रावण बहुत क्रोधित हुआ, कहता क्या है, मानत नाम बहन कुलाधम बारह बार तुहें समझाऊं, मानत नाम बहन कुलाधम बारह बार तुहें समझाऊं, बेगी हरूं ये पिनाक पिनाक को दंड वाही उठाऊं, तुमको करके सब मैं दिखलाऊं, बद्र करूं या बही करणी तब रावण लंकपति कहलाऊं, अय बाणासुर अगर तू नहीं मानने को तैयार है तो मैं इसी समय इस धनुष का खंडन करके सीता को अपने साथ ले जाता हूं और अभी तुम्हारी शंका का समाधान कर देता हूं। जो ही रावण धनुष उठाने के लिए आगे बढ़ा कि आकाशवाणी हुई कि रावण तुम्हारी बहन को मधु दानव उठाए ले जा रहा है, जाकर के उसकी रक्षा करो। शो रावण उस समय धनुष को तोड़ने का विचार छोड़ करके वहां से चला जाता है, लेकिन जाने से पहले प्रतिज्ञा करता है कि मैं सीता को लंका में एक बार अवश्य लेकर के जाऊंगा। इतना ही कहकर के रावण चला गया। तब बाणासुर भी अपने राजभवन की ओर चल गए, चल पड़े। इसे है तू स्वयं पर रचा गया, वह सब इस जग की माता है, अब शीश झुका करके बाणासुर अपने गृह को जाता है, तमाम समस्त सभासद को प्रणाम कर बाणासुर अपने भवन की ओर चला गया। यहाँ एक तरफ दुष्ट राजा, एक तरफ साधु राजा। दुष्ट राजा और साधु राजा आप रामलीला में प्रायः देखते हैं, एक कलाकार और एक कलाकार, दुष्ट राजा और एक कलाकार साधु राजा बनकर के आपस में संवाद करते हैं, जबकि वास्तविक सत्य यह है कि एक तरफ दुष्ट राजाओं की संख्या होती है, तमाम सारे दुष्ट राजा, और एक तरफ तमाम सारे साधु राजा, मतलब अच्छी संगति के राजा जो आपस में वार्तालाप करते हैं। उस उनके संवाद का शाब्दिक अर्थ यह है, यथार्थ यह है कि साधु राजा कहते हैं कि इस धनुष का खंडन श्री राम करेंगे, जबकि दुष्ट राजा ये कहते हैं कि ये बालक हैं, ये धनुष का खंडन क्या, धनुष को तो छू भी नहीं सकेंगे। इस तरह से वाद विवाद होता ही रहता है कि तब एक एक करके राजा धनुष का खंडन करने के लिए चल पड़े, अपने अपने देवताओं का स्मरण करके। सुनि प्रण सकल भूप अभिलाषे, भटमानी अतिशय मन माखे, ए परिकर बाधि उठे यकुलाई, उठे यकुलाई, चले इष्ट देवन सिरे नाई, एक एक से राजा धनुष तोड़ने के लिए चले जा रहे हैं, अपने अपने इष्ट देवताओं का नाम स्मरण करके धनुष तोड़ने का प्रयास करते हैं। कैसे, तमकिता की शिव धनु धरही, उठई न कोटि भांति बल करही, तमाम राजा एक एक कर करके पूरी जोर लगा करके धनुष उठाने का प्रयत्न करते, लेकिन धनुष हिलता भी नहीं है। तो फिर क्या करते हैं, भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरहिन तारा, डगई न शंभु सरासन कैसे, सरासन कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे, जय
जब एक एक करके राजा धनुष नहीं उठा पाए तब तो 10,000 राजा एक साथ मिलकर के धनुष को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन शिव के धनुष को तोड़ नहीं पाए। उसी प्रकार से धनुष नहीं हिलता जैसे कि किसी कामी पुरुष के वचन से सती का मन चंचल नहीं होता। आखिर जब सभी राजा हार गए तो महाराज जनक बड़े दुखित हो गए। श्री आदि भय हारी ही राजा बैठे निज निज जाई समाजा, निपही बिलो की जनक अकुला ने बोले बचन रोस जन उठान। सभी राजा जब धनुष को नहीं उठा पाए तो महाराज जनक बड़े दुखी हुए और खड़े होकर सभी राजाओं को संकेत करके कहने लगे कि अब तो ऐसा लगता है कि पृथ्वी वीरों से भिन्न हो गई है। ऐ देश देश के राजागण मैं किसे कहूं बलशाली है, आभास मुझे यह होता है पृथ्वी वीरों से खाली है। ऐ देश देशांतर के राजागण आज मुझे विश्वास हो गया कि यह पृथ्वी वीरों से हीन हो गई है, इसलिए आसरा छोड़ प्रस्थान करा, दुख हमको दिया विधाता ने, सीता वैदेही का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। ऐ देश देशांतर के राजागण आज मुझे विश्वास हो गया कि मेरी पुत्री सीता का विवाह शायद विधाता ने लिखा ही नहीं है। अतः अब आसरा छोड़ करके सभी राजागण अपने अपने भवन को प्रस्थान करो, मुझे ये विश्वास हुआ कि पृथ्वी पर अब कोई वीर नहीं है। जनक जी के इस तरह के वचन सुन करके लक्ष्मण जी ज्यादा देर तक चुप नहीं रह सके और अपने स्थान से उठे और जनक जी को संकेत किया। शोभान जनक को देती है जो ऐसी वचन निकाली है, भारी शब्द अखरते हैं पृथ्वी वीरों से खाली है। ब्रह्मांड उठा करके सारा कच्चे घट के सम फोड़ू मैं, कच्चे घट के सम फोड़ू मैं, या मेरु पहाड़ उखाड़ी अभी मूली की भांति तोड़ू मैं। अय महाराज जनक आपने जो वचन कहे वह शोभा नहीं देता, मैं इस धनुष का खंडन कर सकता हूं अगर मेरे बड़े भैया मुझे आदेश दें। नाथ कहां है जो मैंने, हे नाथ कहां है जो मैंने गर करी के नहीं दिखाऊंगा। सौगंध पूर्वक कहता हूं फिर से ना धनुष उठाऊंगा। महिमंडल को गेंद सम कर में ले हूं उठाई, कच्चे घट के समान मैं चूरणी करूं बनाए। ए नाथ, अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं इसी समय इस धनुष को खंडन कर सकता हूं। महाराज जनक ने जो शब्द कहे हैं वह असहनीय हैं। तब तो महामुनि विश्वामित्र जी उठे और लक्ष्मण को इशारा किया कि लक्ष्मण बैठ जाओ, और महामुनि विश्वामित्र जी ने रामचंद्र जी की ओर देखा और कहा,
ऐ राम, इससे ज्यादा अच्छा समय नहीं आएगा, जा करके इस धनुष को तोड़कर महाराज जनक जी के संताप का हरण करो। सो श्री रामचंद्र जी गुरु को प्रणाम कर धनुष की ओर चल पड़े। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं बानी में, उठहु राम भंग जहु भाव चापा, मेटहु ताते जनक संतापा। सुनि गुरु वचन चरण सिरु नावा, हरस विषाद न कछु बुरि आवा। यहां से रामचंद्र जी जब धनुष की ओर बढ़े तो यहां सीता जी की माता सुनैना बहुत दुखित हो गईं। वो कहने लगी कि जब बड़े से बड़े वीर योद्धा धनुष का खंडन नहीं कर पाए तब इन छोटे छोटे बच्चों से धनुष तोड़वाने का क्या प्रयोजन हो सकता है। उसी समय सखी एक समझाती है कि ये बालक बड़े ही चमत्कारी हैं, इन्होंने ताड़का का वध किया और पत्थर की बनी हुई अहिल्या को स्त्री का रूप दे दिया, इसलिए शंका न करें, ये धनुष को अवश्य तोड़ेंगे। यहाँ सीता जी भी बहुत दुखी हो रही हैं, और सीता जी के दुखों को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा तो आखिरकार धनुष की ओर चल पड़े। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा। लेत चढ़ावत खचत गाढ़ है, काहू न लखा देख सब ठाढ़ है, तेही क्षण माध्य राम धनु तोरा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, प्रभु दो चाप खंड मही डार, देखि लोक सब भयहु सुखार, तेही क्षण माध्य राम धनु तोरा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, बोलिए सियापति रामचंद्र की। आखिरकार श्री रामचंद्र जी ने जब धनुष का खंडन कर दिया तब तो महाराज जनक जी का जो प्रण था वह पूरा हुआ। सभी सखियां साथ में आई, सीता जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के गले में जयमाल डाल दिया और अब पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला सखी मंगल दिन में, पहनाओ जय माला सखी मंगल दिन में। मंगल दिन में सखी मंगल दिन में, मंगल दिन में ही मंगल दिन में, पहनाओ जय माल सखी मंगल दिन में। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरा बहू जय माल सुहाई, पहनाओ जय माला सखी मंगल दिन में। तेही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आए रघुकुल कमल पतंगा, देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवालू काने। सीता जी ने जब जयमाल पहनाया रामचंद्र जी को
तो उस समय तमाम दुष्ट राजा जो थे वे कह रहे थे कि धनुष टूट गई तो टूट गई, लेकिन विवाह तो सीता से हमें करना है। और साधु राजा जो है वो भी विवाद कर रहे थे कि अब धनुष टूट गया है, जिसने धनुष तोड़ा है सीता तो उन्हीं को समर्पित होनी है। यही वार्तालाप चल रहा था कि तभी महेंद्रगिरी पर्वत से परशुराम जी जनक जी के दरबार में आ गए, और उनके आते ही सभी राजा भयभीत हो गए, और राजा अपने पिता का नाम लेकर के अपना परिचय कह दंडवत प्रणाम करने लगे। देखत भृगुपति बेस कराला, उठे सकल भय बिकल भुआला। पितु समेत कही निज निज नामा, करन लगे सब दंड प्रणामा। जनक बहोरी आई सिरु नावा मा, सीय बुलाई प्रणाम करावा। उसी समय जनक जी ने सीता जी को बुलाया और महामुनि परशुराम जी के चरणों में प्रणाम करवा करके आशीर्वाद प्राप्त किया। और इधर तब महामुनि विश्वामित्र भी राम लक्ष्मण को लेकर के उपस्थित हो गए। विश्वामित्र मिले पुनि आई, पद सरोज मेले दो भाई। राम लक्ष्मण जब मिल चुके तब आखिर महाराज जनक जी ने पूछा कि ए राजन, भीड़ भाड़ क्यों है, बात क्या है, क्या कारण भीड़ भाड़ का है, कैसे राजा गड़ी आए हैं। अरे जनक सब बात बताओ साफ मुझे, कैसे राजा गड़ी आए हैं। परशुराम जी ने पूछा कि ऐ जनक, हमें ये बताओ कि यहाँ राजसभा में इतनी भीड़ लगी हुई है, तमाम राजा महाराजा आए हुए हैं और राजाओं में आपसी विवाद चल रहा है, तथ्य को समझ में नहीं आ रहा है, बात क्या है। तो राजा जनक जी ने सारी बात कह सुनाई, जिस तरह से सीता जी ने धनुष को उठाकर एक स्थान से दूसरी स्थान पर रख दिया था वो सारी बात बताई, और किस तरह से महाराज जनक जी ने प्रण किया कि जो धनुष तोड़ेगा उसी से सीता का विवाह होगा, और कैसे सारी बात हुई राजा जनक कह सुनाए। और धनुष टूटा हुआ सुनकर के तो परशुराम जी को अत्यंत क्रोध आ गया, और तब बोले, सुनत बचन पुनियन तिनिहारे, देख चाप खंड मही धारे। अतिरिसि बोले बचने कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के तोरा। बहुत क्रोध आया परशुराम जी को, उन्होंने कहा कि मूर्ख जनक ये बता कि इस धनुष को किसने तोड़ा है। अरे वो अभिमानी है वीर कौन, वो अभिमानी है वीर कौन, जिसने शिवधन को तोड़ा है, जिसने न मृत्यु का भय खाकर सीता से नाता जोड़ा है। दिखला दे अपनी सकल मुझे, अन्यथा नष्ट कर डालूंगा, अन्यथा नष्ट कर। यह राजसभा जो लगी हुई पल में भी नष्ट कर डालूंगा। मैं अपने गुरु शिव शंकर का सह पाऊंगा, अपमान नहीं सह। जिसने अपमान किया गुरु का, बच सकते उसके प्राण नहीं। ऐ मूर्ख जनक ये बता
वो अभिमानी वीर कौन है जिसने शिव के पिनाक को खंडन कर डाला है, अपनी मृत्यु का भय नहीं खाया। मैं अपने गुरु भगवान शिव के अपमान को तो कतई सहन नहीं करूंगा, मैं उसे अभी इस फरसे से मार डालूंगा। परशुराम जी के क्रोध को देखकर सारे के सारे राजा इधर उधर भागने लगे कि अच्छा हुआ कि हमने धनुष नहीं तोड़ा। लेकिन श्री रामचंद्र जी ने जब कठोर वचन सुने परशुराम जी के, तो आखिर अपने स्थान से उठे। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई है को एक दास तुम्हारा। ए स्वामी, भगवान शिव के धनुष को खंडन करने वाला वो तो कोई आपका सेवक ही होगा। लेकिन परशुराम जी ने उत्तर दिया, सेवक सो जो करई सेवकाई, अरि करनी अरि करहू लड़ाई। ऐ राम, वह सेवक जो शत्रु का काम करता है वह सेवक कतई नहीं हो सकता। जिसने भी धनुष का खंडन किया है वह तो मेरे लिए सहस्त्र बाहों के समान शत्रु है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस्त्र बाहु सम सोरि कुमारा। सो बिल गाई बिहाई समाजा, नत मारे जय है सब राजा। इस समाज से जनक जी निकाल दीजिए उसे, अन्यथा सारे राजा मारे जाएंगे। दोष एक राजा का है लेकिन सारे राजाओं को मैं मार डालूंगा। और जिसने भी धनुष तोड़ा है वह सहस्त्रबाहों के ही समान मेरा शत्रु है। तब लक्ष्मण जी से नहीं रह गया। लक्ष्मण जी ने क्या कहा, बहु बहु धनु ही तोरी लड़काई, असरी से कबहु न कीन्ही गोसाई। क्या बात है, एही धनु पर ममता के ही है तू, सुन रिसाई कह भुगु कुल के तू। ऐ महाराज, मैंने बहुत सारे धनुष को तोड़ा है बचपन में, पर कभी आपने क्रोध नहीं किया। इस धनुष पर आपकी इतनी बड़ी ममता कैसे है? और तो और, अच्छा नहीं लगता जो आपने ये वस्त्र आभूषण पहना हुआ है, क्योंकि ऐ महाराज तुम ब्राह्मणी हो, यह क्रोध न तुम्हें सुहाता है। यह क्रोध का गहना क्षत्रियों का जोरण में पहना जाता है। बालेपन में बहु धन तोड़ा, पर कभी न ऐसा क्रोध किया। इस धनु पर स्वामी ममता क्या, जो बिरथा आज विरोध किया। लक्ष्मण जी ने कहा, स्वामी ऐसे धनुष तो हम लोगों ने बहुत बार तोड़ डाले लेकिन कभी क्रोध किया ही नहीं आपने, परंतु इस धनुष पर आपको मोह क्यों हो रहा है? और तो आप क्षत्रियों जैसा वस्त्र पहन कर आए हैं, जो क्षत्रिय पहना करते हैं, आप तो विप्र हैं, ब्राह्मण हैं। परशुराम जी को बड़ा क्रोध आया।
रेड बालक काल बस बोलत तो ही न संहारी। धनु श्रम त्रिपुरारु धनु विदित सकल संसार। मूर्ख बालक तू समस्त धनुष के समान ही तू शिव के धनुष को भी समझता है, प्रथा में मेरे हाथ से मारा जाएगा। लक्ष्मण जी कहते हैं लखन कहां से हमरे जाना, लखन कहां से हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। जियो जियो ताछति लाभ जीनु धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति नहीं दोसु, मुनि बिनु काज करिय कतरोसु। बोले चितई परसु की ओरा रे, सत सुनेउ स्वभाव न मोरा। बालक बोली बधउ नहीं ताई, केवल मुनि जड़ जाने हूँ मोही। मूर्ख बालक विश्वामित्र का स्नेह और प्रेम समझ करके तुझे मैं छोड़ देता हूँ, अन्यथा मेरा स्वभाव विश्वामित्र को पता है। लेकिन लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं, तुमसे पापी मैं नहीं बधी न अपनी मात, तुलसी ते जग में फिरे मुंह लग सब ही बता। महाराज तुमसे बड़ा पापी तो मैं नहीं हो सकता, क्योंकि आपका प्रताप ऐसा है कि आपने स्वयं अपनी माता के सर काट लिए। और क्या कहते हैं, मुझे बाला भूमि मूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देव नरे। सहस बाहु भुज छेदन हारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। मूर्ख बालक तुझे नहीं पता है कि अब तक मैंने 36 बार क्षत्रियों को पृथ्वी मंडल से विहीन कर डाला, और मैंने सहस्रबाहों की हजारों भुजाएं काट डाली। आज तेरा भी वध होगा राजा के लड़के। लखन बोले मृदु बानी, मुनीस महाभट मानी। पुनि पुनि मोही देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। लक्ष्मण जी कहते हैं महाराज आप बहुत बड़े योद्धा हैं, बार बार कुल्हाड़ी दिखाते हैं, मुझे फरसा दिखाते हैं, ऐसा लगता है कि फूक मार देंगे और पहाड़ उड़ जाएगा, क्योंकि तुम्हारा बतिया क्यों नाही, जे तर जनी देखी मर जाही। महाराज कोई यहां कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो आप तर्जनी दिखा देंगे और वो जल जाएगी। तो परशुराम को और गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा ए बधे पापु यपु की रति हारे, मारत ही पापरी ये तुम्हारे।
कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा व्यर्थ धरहू धनु बाणी कुठारा। कौशिक सुनहू मंदिर बालक कुटिल काल बस निज कुल घाल। ऐ विश्वामित्र जी, आपका चेला बड़ा कठोर है, बड़ा कुबुद्धि है, ये बार 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 मेरा अपमान कर रहा है, मेरे हाथों मारा जाएगा। विश्वामित्र जी ने कहा, महामुनि आप श्रेष्ठ हैं, बड़े हैं, यह बालक है, इसे क्षमा कर दीजिए। तब परशुराम जी को ज्यादा क्रोध आ गया, आखिरकार कहा क्या, कौशिक कहा क्षमहु अपराधु बाल दोष गुण गनहिन साधु। ए उतरन देत छोड़ बिन मोर केवल कौशिक सिलो तुम्हारे। बार बार अब भी तुम्हारा चेला मुझे अपमानित कर रहा है, फिर भी विश्वामित्र तुम्हारे सील से ही मैं छोड़ दे रहा हूं। कहते क्या है, कहू लखन मुनि सील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही उरीन भयनी के गुरु रिन रहा सोच बड़ी के। मृगुवर परासु देखाबहु माही विप्र विचारी बचबहु नृपरो। लक्ष्मण जी कहते हैं कि ऐ ब्राह्मण, तुम एक राजा के शत्रु बन रहे हो, जबकि जानते हो कि राजा कभी भी युद्ध से पीछे नहीं हटता। अब मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं केवल एक ब्राह्मण समझ करके। श्री रामचंद्र जी बोले, नाथ नाथ करहू बालक परिछहू सुध दुध मुख करियन को। जो पै प्रभु प्रभाव कछु जाना तो की बराबर करत आना। रामचंद्र जी कहते हैं, नाथ बालक है, आपके प्रभाव को जानता तो आपसे इस तरह बात नहीं करता, सो क्षमा करिए नाथ। रामचंद्र जी की बात को सुनकर विश्वामित्र परशुराम जी तनिक नरमाई आई उनके अंदर। राम बचन सुनी कछु कजुड़ाने कही कछु लखन बहुरी मुस्काने। गौर शरीर श्याम मन माही काल कूट मुख पय मुख नाही। बहुत प्रकार से जब परशुराम जी को क्रोध आया, उन्होंने कहा कि मूर्ख मूर्ख बालक मेरे प्रताप को नहीं जानता, आज मैं तेरा ही संहार नहीं तेरे गुरु का भी संहार कर डालूंगा, मेरे हाथों से नहीं बच सकते। और जब परशुराम जी को मारने की बात कही,
तब तो आखिर से रामचंद्र जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और उन्होंने कहा, बस मुनिराज अब आपने कुछ ज्यादा ही कह दिया है। श्री रामचंद्र जी बोले, हम सदा ब्राह्मणों की सेवा करना सौभाग्य समझते हैं, उनका सेवा पालन करना है स्वामी धर्म समझते हैं। यदि कुपित कहीं हो जाए हम तो ये धरती जलमय होगी, तो सार में होगा महाप्रलय, यह धरती अभी भी नष्ट होगी। हे नाथ, हम सदा ब्राह्मणों की सेवा करना ही सौभाग्य समझते हैं और हम सदैव उन्हें सम्मान देते हैं, परंतु आपने हमारे गुरु का अपमान करके ये ठीक नहीं किया है। हमारा जन्म तो क्षत्रियों में ही हुआ है, हमारा युद्ध करना ही प्रमुख धर्म और कर्म है। सो हे नाथ, अगर आप यही चाहते हैं तो हम यह भी करने के लिए तैयार हैं, परंतु बस हमारा सर झुका हुआ है तो वो कि सिर्फ आप एक ब्राह्मण है, इसलिए क्षमा करिए। हे नाथ, इसलिए क्षमा करिए। हे नाथ, अभी इतना क्रोध नहीं अच्छा, हम बालक हैं, हम बालक हैं, बालक से तो प्रभु इतना क्रोध नहीं अच्छा। रामचंद्र जी के जब कुगूढ़ वचन सुने तो परशुराम जी को संदेह हुआ, और जब परशुराम को संदेह हुआ तो उन्होंने कहा कि ऐ राम, मेरी इस धनुष पर बाण चढ़ा दो, मुझे विश्वास हो जाएगा, अर्थात मेरा संदेह भी दूर हो जाएगा। तब राम रमापति कर धन ले हूं, है चाप मिटे संदेह, छुअत आप, छुअत आप तुरित चढ़ी गया हूँ, परशुराम मन विस्मय भयो हूँ। जैसे ही वह धनुष परशुराम जी ने राम जी को दिया, तुरंत ही उनके धनुष पर बाण चढ़ गया, परशुराम का संदेह दूर हुआ और तब श्री रामचंद्र जी की वंदना करने लगे। हे राम दया के सागर हो, श्री राम तुम्हारी जय हो। असुरों के तुम हो संहारक, श्री राम तुम्हारी जय हो। परशुराम जी श्री रामचंद्र जी की वंदना करके अपने महेंद्रगिरी पर्वत की ओर चले गए, जहां उनका निवास स्थान था, और उसके बाद राजा जनक जी ने निमंत्रण भेजा। महाराज दशरथ जी बारात लेकर के आगे, प्रभु श्री रामचंद्र जी और सीता जी की शादी का कार्यक्रम होने लगा। उसी पंडाल में, उसी शादी के उत्सव में राम का विवाह सीता के साथ, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के साथ, भरत का विवाह मांडवी के साथ और शत्रुघ्न का विवाह सुकृत के साथ संपन्न होने लगा। जहि दिन राम जनकपुर आए हो,
जिस दिन राम जनकपुर आए हो देखनी आई सारी दुनिया सीताराम के भजो भला। जिस समय चारों भाई भोजन करने के लिए बैठे, जनकपुर की सखियां सभी आज सीता जी के भाग्य पर बहुत प्रसन्न हो रही हैं। जेवनार करवाते वक्त तमाम तरीके के गीत जनकपुर की औरतें गा रही हैं, जिसे आज भी औरतें जगह जगह में गाती हैं, सुनाती हैं। दाल भात परवर तरकारी हो, दाल भात परवर तरकारी हो, ऊपर से घी अनक धारी सीताराम के भजो भला। खाना पीना खाने के बाद आखिर विवाह का कार्यक्रम शुरू हो गया। राम सीता का विवाह ब्रह्म विवाह के अंतर्गत किया गया और आज भी वही विवाह संपन्न कराया जाता है। वैसे विवाह तो 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन अपने यहाँ ब्रह्म विवाह का प्रचलन है। अब प्रेम विवाह यानी कि गंधर्व विवाह भी काफी होने लगा है। माताएं बहनें सुहाग के तौर पे गाती हैं। कौन रंग घोड़ावा की कौन आया सबरवा की, कौन रंग लागौला गाम राजा के सोहाग, कौन रंग नीले रंग घोड़वा पे चढ़ाया सबरवा हो, नीले रंग घोड़वा पे चढ़ाया सबरवा सखी, नीले रंग लागे हूँ लगाम राजा के सोहा। और महाराज जनक जी अपनी पुत्रियों का कन्यादान करने लगे, तब औरतें कैसे गाती हैं। का पहलो टा की का पाही थारी, का पाही कुसवा के डर अभिजनी हथिवा बटोर मोरे, बाबा हो कि भाईली धर्म की जूनी हो। पहनाओ सखी कंगना मंगल दिन में, पहनाओ सखी कंगना मंगल दिन में, सावरे हैं दूल्हे राजा मोहनी पुरतिया, सावरे हैं दूल्हे राजा मोहनी मुरतिया। पहनाओ सखी कंगना मंगल दिन में, पहनाओ सखी कंगना। इस तरह से विवाह कार्यक्रम संपन्न हुआ, कोहबर हुआ। उसके बाद राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न अगले दिन विदाई हुई, जैसा कि आज भी होता है विवाह में।
बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। मैं के कि तुझे ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुमाएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। ए मंगल भवान आया मंगल हारी, शरत अजीरा बिहारी, हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनाई बहुविधि सब संता। ओ जही बिरी हो नाथ हित मोरा, करहूं सुबे की दास प्रभु तोरा। बोलो सियापति राम चंद्र की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।